कोरोना वायरस के बचाव में शासन प्रशासन लगा हुआ है। वहीं दतिया से एक बड़ा मामला सामने आया। दतिया कलेक्टर ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि किसी भी स्कूल में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संचालक ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए भी बच्चों की जान जोखिम में डालकर परीक्षा का आयोजन करवाया। आसपास के गाँव के बच्चे सम्मिलित हुए। पत्रकार ने पहुंचकर इस खबर का कवरेज किया तो प्राइवेट स्कूल चालक उस पर भी दबाव बनाने लगे। स्कूल संचालक परीक्षा का आयोजन कराने से बिल्कुल मना करने लगा और पत्रकार प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने परीक्षा की कॉपियां और रिकॉर्ड जब्त किए। तब जाकर उस पर धारा 188, 269, 270 की FIR दर्ज की गई। यू आर ए जर्नलिस्ट ओनली, सिंपल स्लो, कोई दोस्त मैं आपका नहीं। ये दोषी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इनको इस बार की सूचना थी जो लॉकडाउन किया जा चुका? बिल्कुल, सबको सूचना है। हमने अखबार के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से और आपके लोकल चैनल के माध्यम से किया है और उसकी कॉपियां ले ली हैं। DVR भी यहाँ, इनको जो कैमरे लगे थे उसकी DVR ले लिया है और पुलिस में FIR कराई जा रही है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी लापरवाही है सर, पूरा देश को हमारा सर नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि बहुत बड़ी लापरवाही इनके द्वारा, संचालक के द्वारा की गई है। तो इस पर दोषी पे कार्रवाई की जा रही है। उनको पूरे कॉपियां जब्त कर ली है, DVR जब्त कर लिया और FIR के लिए करा जा रहा है।